मिलिए इससे। ये है दिलफेक आशिक, जिसकी एक नहीं बल्कि दो दो गर्लफ्रेंड है, और उनके चक्कर में ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यकीन मानिए, अगर ये गिरफ्तार न किया गया होता तो लाखों रुपए अपने महबूबा पर उड़ा रहा होता। लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस ने न सिर्फ इसे गिरफ्तार कर लिया बल्कि इसके पास से बरामद कर लिए पूरे 20 लाख रुपए। जुर्म की यह दास्ता भरोसे, धोखे, गर्लफ्रेंड और फरेब के आसपास घूमती है, जिसका मुख्य किरदार है पवन नाम का एक 24 साल का लड़का, जिसने अपनी दो गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया। पुलिस ने पवन नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इससे 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लेकिन अब इसके गुनाह के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। तारीख 17 मार्च 2022, जगह बाड़ा हिंदूराव, दिल्ली। वारदात 20 लाख किलो। दिल्ली के सिविल लाइन्स थाना इलाके के रहने वाले कारोबारी सुशील अग्रवाल ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसने अपने ड्राइवर को 20 लाख रुपए देकर नेताजी सुभाष पैलेस के लिए भेजा था, जिसे रास्ते में बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और ड्राइवर पवन से सवालात किए। पवन ने लूट की कहानी सुनाई, जिस पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि पवन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को बरगलाने के लिए उसने अपने बाएं हाथ और गले पर चोट के कुछ निशान भी दिखाए। पवन के शरीर पर चोट के निशानों से शक हुआ। निशान ऐसे थे जैसे पवन ने खुद को जख्मी किया है। ड्राइवर पवन पुलिस के सामने बयान बदल रहा था। पुलिस ने शक होने पर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और खुलासा किया कि उसने मालिक के 20 लाख रुपए चुराए हैं और ऐसा उसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किया है। बकौल पुलिस, पवन मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और उसकी दो गर्लफ्रेंड है, एक दिल्ली जबकि दूसरी झारखंड में, जिन्हें पवन मालिक की लग्जरी BMW कार में घुमाया करता था। इन्हीं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे की दरकार थी, क्योंकि पवन बीते करीब 5 साल से सुशील अग्रवाल के पास काम कर रहा था, इसलिए उस पर सुशील को भरोसा था। जबकि पवन मौके की तलाश में था। जब 17 मार्च को उसने एक साथ 20 लाख रुपए देखे तो मन में लालच आ गया और उसने लूट की झूठी कहानी बना डाली, लेकिन कानून की नजरों से बच नहीं सका। लिहाजा अब इसके मुकद्दर में आ गई है सलाखे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।